top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. करते हैं तो आपके जीवन का सक्सेस मिलता है. एक कविता है, एक अंग्रेजी कवि थे रुडियार्ड किपलिंग. तो मैं एक कविता है, उसका नाम है इफ. वो एक मेरा एक मंत्र रहा है जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है, और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेगा वो जरूर उसको सफलता मिलेगी. अब उसमें ये लिखा है कि जब और लोग आपसे खफा हों, आप अपना शांति कायम रखे रहिए. इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर ब्लेमिंग देस एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. इफ यू कैन वॉक द 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यानी कि आप एक सेकंड भी बर्बाद मत करिए, आप अच्छा काम करते रहिए करते रहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है फिर आता नहीं है. तो उसमें ऐसी बातें लिखी कि अगर आप राजा महाराजाओं के साथ चलते हैं तो साथ साथ गरीबों के साथ भी चलना सीखिए. तो ये एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक सफलता का मंत्र, या आप कह दें धार्मिक मंत्र रहा है वो जो कविता है. और मैं आपको जिस सरकारी कार्यालय में रहता था उसको मैं जरूर उस कविता को टांगता था. और मेरा विश्वास ये है कि हमें जो व्यवस्था है उसको अगर अंग्रेजी में कहें तो एक डिसरप्टिव व्यवस्था होनी चाहिए. यहाँ पर हमें जो वर्तमान व्यवस्था है उसको तोड़ना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ कि जो जिन उद्देश्य से सरकार अपनी नीतियाँ बना रही है उसको हम कैसे अमल करें. बहुत से हमारे नियम कानून अंग्रेजी समय के बने हुए हैं, हमें तोड़ना चाहिए उन नियमों को, हटा देना चाहिए, नए नियम लाने चाहिए. तो जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिसरप्शन, यानी कि आप उसको तोड़ें तो पर कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि उसकी जगह कोई और नई व्यवस्था आप साथ ही साथ लाएं. पुरानी व्यवस्था तोड़ें, बस तोड़ने से आप खुश मत हो जाइए, उसकी जगह जो ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है उसका भी आप सोचिए क्या लाना चाहिए. बहुत लोग कहते हैं कि राशन की दुकान में बड़ा भ्रष्टाचार है, सिंचाई में पानी देने में बड़ा जोरदस्ती होती है. तो ये आपने क्रिटिसाइज तो कर दिया, आलोचना कर दी, पर क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इस पर जरूर सोचना चाहिए. तो कंस्ट्रक्टिव डिसरप्शन एक जो मैं इसकी परिभाषित करना चाह रहा था कि आप पुरानी व्यवस्थाएं तोड़ें, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाएं अब पुरानी हो गई. समय बदलता गया है, युग बदल गए, ख्याल बदल गए, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, वैश्वीकरण हो गया. तो जो समय तो रुकता नहीं है, तो आप समय के अनुसार चलिए. पुराने पुराने रूल्स रेगुलेशंस पड़े हुए हैं सरकारी तंत्र में, उनको हटाना चाहिए. और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ ये कि आपको धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक विचारों का एक आपके महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए आपके ख्यालों में विचारों में. कोई भी धर्म, जो अच्छा धर्म, जो जितने भी धर्म हैं सब अच्छी बातें सिखाते हैं. आपको सिखाते हैं कि किसी को किसी के साथ बुराई मत करो, किसी सबको मदद करो, और आप आगे जाकर सेवा करो सबकी, और अपना अहम ख़त्म करो. तो मेरा ये हरदम विश्वास रहा है कि किसी तरह जो हमारी धार्मिक विचार हैं वो हमारे युवाओं में आने चाहिए. और मैं किसी विशेष धर्म की फिर से मैं कहूँगा मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि धर्म जो सही धर्म है, जो सही तरह से आप उसको समझें तो सभी धर्म आपको एक मार्गदर्शन करते हैं, अच्छा मार्गदर्शन करते हैं. तो
मेरी तो परम ये विश्वास रहा शुरू से कि मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन शुरू से बचपन से ही हर एक लड़के बच्चों में लड़कियों में आ जाना चाहिए, जिससे कि जो भी वो काम करे, जिस स्तर पर भी काम करे, जो भी जिम्मेदारी उसको समझ देता है, उसमें ये रिस्ट्रेंट, उसमें ये एक फीलिंग कि हमें सिंपथाइज एम्पथी होनी चाहिए दूसरे व्यक्ति के साथ। अगर वो बीमार है, गरीब है, तो उसके साथ एक लगाव होना चाहिए। इस तरह की फीलिंग अगर आ जाती है तो व्यक्ति चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, पंचायत में हो, राज्य सरकार में हो, उसका एक सोचने का ढांचा ही बदल जाता है और इस तरह से हमारा देश का विकास और अच्छा हो सकता है। सर, आपके जीवन का रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी कम उम्र में एक तो जो भारतीय फिलॉसफी थी उसको समझा, भारतीय धर्म जो था उसको समझा और सेवा में लगे। उनके जो आश्रम हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके विचारों से ओतप्रोत हैं, उनका उन्होंने जो काम किया भारत में वो एक आइडियल है, आदर्श। तो मेरी राय में तो मेरे विचारों में स्वामी विवेकानंद एक हमारे आइडियल है पूरे भारतवर्ष के लिए। सबके जीवन में महात्मा गांधी की जो किताब थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उससे पढ़ा। फिर हमें जो हमारे लीडर्स थे, एक रामचंद्र गुहा ने लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी, उनके किताबों से मुझे एक आइडियल वातावरण अपने मन में लाने का एक बहुत एक उत्साह हुआ। और इसी तरह मैंने नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, तो इन किताबों से मेरे बेसिकली मेरी थिंकिंग और जो मेरे विचार है वो बने हैं। और अब तो नई नई किताबें और नई नई किताबें आने लगी हैं। अब जैसे आपके हमारे थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ चाणक्य नीति के बारे में कि किस तरह सरकारों में, सरकारी यंत्रों में काम चलता था पुराने ज़माने में, किस तरह हमें आज का क्या उसको हम अपना सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो भगवद गीता बहुत हमें सिखाती है। और जैसे एक मुझे अभी तक श्लोक याद है कि यो न हर्षति न शोचति न कामकति शुभ शुभ प्रत्यागी बहुत मेरे मुझे प्रिय, यानी कि जो न हर्ष करता है न बहुत दुखी होता है, जो संयम रखता है वो भक्त मेरे सबसे प्रिय है। तो ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों की, और ये जितने हमारे बड़े बड़े नेता रहे हैं महात्मा जी, गांधी जी और स्वामी विवेकानंद की, इनकी किताबों पढ़ के हमें बहुत मुझे अच्छा मिला है। हम भगवान में विश्वास रखते हैं और मुझे ये भी है मेरे मन में कि जो भी होता है या नहीं होता है वो भगवान इसलिए कर रहे हैं कि आपके भले के लिए कर रहे हैं। बहुत चीज़ें कभी कभी आपको दुख होता है कि आपको नहीं मिली, फिर हम सोचते हैं शायद इसलिए भी नहीं मिलना था क्योंकि भगवान सोचते थे वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और बहुत सी चीज़ें मिली, अगर हम अपना सर्विस कैरियर देखें तो जो उच्चतम पद तक पहुंच सकते थे वो मिला, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान की मर्जी से मिला। जो आपने शब्द यूज़ किया भरोसा, विश्वास में कहूँगा, भगवान में विश्वास है, भरोसा तो अपने ऊपर ही करना चाहिए क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर है उस पर भरोसा रहना चाहिए आपको। तो
मैं तो बिल्कुल विश्वास करता हूँ भगवान पर, और मैं समझता हूँ कि जो भी भगवान करते हैं ठीक करते हैं, और पर मैं भरोसे को ज़रा मैं संकोच करूँगा कि वो शब्द, क्योंकि भगवान से मांगना नहीं चाहिए कुछ चीज़, मांगेंगे नहीं तो भरोसे की बात नहीं उठती। तो किन किन फिल्मों में आपकी रुचि है, कौन कौन सी फिल्में पसंद है, कलाकार पसंद है? मुझे कलाकारों में जैसे मीना कुमारी हैं, या वहीदा रहमान थी, मधुबाला थी, उसमें हमारे बहुत रुचि थी उनकी फिल्मों में। फिर किशोर कुमार के जो गीत और गाने होते थे, चलती का नाम गाड़ी, इस तरह के, और अशोक कुमार, दिलीप कुमार की फिल्में, और एक जो मैंने हाल में बहुत अच्छी फिल्म देखी थी 4-5 साल पहले, वो परिणीता थी, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उसमें जो जो हमारे कैरेक्टर्स ने एक्टिंग की थी, उससे मैं मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पर मुझे इसके अलावा एक्शन पैक्ड फिल्म्स बहुत अच्छी लगती, जैसे जेम्स बॉन्ड की है, या वर्ल्ड वॉर टू की हो, क्योंकि मुझे कुछ शौक़ है कुछ एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स का, तो वो भी अच्छी लगती हैं। पर हिंदी फिल्मों में और इंडियन फिल्म में तो मुझे जो मैंने आपको बताया है, इनकी फिल्में अच्छी लगती हैं, जिसमें और मैं समझता हूँ कि वो सबसे अच्छी फिल्म होती है जिसमें अच्छे गाने हों, क्योंकि हमारी भारतीय फिल्मों का एक अभिन्न अंग ये रहा गीत। जितने म्यूजिकल फिल्म्स हमारी इंडिया में बनती हैं, कहीं विश्व में नहीं बनती हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी भी उनके गानों से ही होती है। और हमारे गायक भी अच्छे, देखिए कितने सुंदर रहे हैं, सैगल से लेकर मुकेश, तलत महमूद, ये सब बड़े अच्छे अच्छे गायक रहे हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले तो हैं ही। तो हम तो ज़रा फिल्मों में गाने, अच्छे गाने भी सुनने जाते हैं कि गाने अच्छे हों। सर, किस प्रकार के संगीत और कला में आपकी रुचि? देखिए, मूल तौर पर तो मुझे क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत शौक है सुनने का। मैं खुद भी इसीलिए तबला भी सीख रहा हूँ आजकल। और म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, उसमें सितार का मुझे बहुत अच्छा लगता है, सितार और सरोद। और मैंने शुरू में कुछ गिटार सीखने की भी कोशिश की थी, गिटार और वायलिन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक जो वोकल होता है उस म्यूज़िक के अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का भी मुझे बहुत शौक है। और इसी तरह जैसे आपका वेस्टर्न म्यूज़िक में कैरिबियन म्यूज़िक, जो अफ्रीकन म्यूज़िक है, जिसमें ड्रम्स का और साउंड का ज़्यादा प्रभाव है, वो मुझे पसंद है, इस तरह की म्यूज़िक। आपकी रुचि रही है? बचपन से ही, जब मैं स्कूल में था, अपने बॉयज स्कूल इलाहाबाद में, तो मैं अपनी स्कूल टीम में सब में था, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फिर मैंने टेनिस भी सीखा, फिर मैंने गोल्फ भी पिकअप किया, और मैं बैडमिंटन का भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। तो मुझे इन सभी गेम्स का बड़ा शौक है। क्रिकेट का ऑफकोर्स विशेष तौर पर, कि एक तो एक हमारा राष्ट्रीय खेल ही हो गया है क्रिकेट, पर इसके अलावा मुझे ये जो टेनिस है और बैडमिंटन, इसका बड़ा शौक है मुझे। और मैं सभी इन तीनों गेम्स को बहुत, इनके जितने भी नेशनल टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, सबको मैं देखता हूँ टीवी पर। पॉलिटिक्स के मुद्दे पर है, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से कितने संतुष्ट हैं? मैं उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ और बहुत संतुष्ट भी हूँ। मुझे महसूस ये हो रहा है कि इनके आने से एक नया प्रशासन और शासन में एक नया युग आ गया है, एक नई शक्ति पैदा हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो अपने कार्यशैली से ये स्पष्ट कर दिया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रशासन उनको चाहिए। और उनके और वो ये भी चाहते थे कि हम समझौता तो करें, पर अपने जैसे सरकारी नीतियां हैं उसमें मिलजुल के चलें, पर
अगर कोई बाहर विदेशी शक्ति या देश हमें दबाने की कोशिश करे तो हमें दबना नहीं चाहिए। और ये बहुत दिनों बाद जहाँ तक ये सिक्योरिटी की पॉलिसी की बातें आई हैं, बहुत दिनों बाद ये एक शक्ति, इसमें एक नई ऊर्जा आ गई है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में। और मैं सोचता हूँ ये मोदी साहब का ही नेतृत्व है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे जिस तरह की वो चाइना की धमकियों का उत्तर दे रहे हैं उसका हो, और जिस तरह उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है विदेश में, वो सब इसका प्रतीक है कि मोदी साहब एक स्वतंत्र विचार के, एक राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर नीतियां अपना रहे हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने एक जो सरकारी यंत्र और तंत्र, इनमें भी एक नया जोश पैदा कर दिया है, और सब लोग इस समय काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने टारगेट्स रखे हैं, लक्ष्य रखे हैं, उनकी पूर्ति हो सके। बहुत दिनों बाद एक ऐसा हमें नेतृत्व मिला है जो मजबूत है, अपने उद्देश्य उसके बड़े क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह अचीव किया जाए, उस क्या नीतियां अपनाई जाएं, वो भी स्पष्ट है। इसलिए मुझे बहुत ये संतुष्टि है जो भी मोदी साहब कर रहे हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आदित्य योगीनाथ जी आए हैं, वो भी उसी उन्हीं कदमों में चल रहे हैं जो मोदी साहब ने आरंभ किए। और यहाँ भी मुझे बहुत एक विश्वास से पैदा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भी विकास बहुत तीव्र गति से होगा और सुरक्षा की व्यवस्था भी मजबूत होगी।